Stand here, boss. Yes, sir, please come. Good to see you, sir. Thank you. जी ये मेरा पहला कॉन्सर्ट है मिर्ची के साथ. ऑफकोर्स हम अच्छा स्टेज दिया हमें और साउंड भी अच्छा था तो और लोग भी अच्छे आए थे तो हमें बहुत पसंद आया और मज़ा आया. वो जी बहन जी ऐसा था कि मैंने कुछ नहीं किया वो फॉर दैट अवार्ड. आई टुक इट ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फिल्म इंडस्ट्री. सो ऑन दैट बेसिस आई. कौन से तारीख को है? 18 इस महीने के. हाँ इंडिया में ही रहेंगे तो रंग ही होगा. देख लीजिए ना परफॉर्मेंस यार देख लो क्योंकि मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ कभी कभी यू नो होता है यू नो बैल के जैसा तो चलता है. जी अगले महीने के 15th को हम रिलीज़ कर रहे हैं अपनी नई एल्बम. थैंक यू. और कुछ नहीं. खुश हैं आप लाइफ में? आई एम गुड. कहाँ से हो आप? Yeah, I'm expecting a lot of really good performances. I'm expecting to see friends and industry peers after, you know, 2 years. I think it's amazing that everyone is coming back together. And it feels good to be back at Mirchi. And yeah, can't wait to see everybody perform. Can't wait to see my friends. Sorry? Tonight, I'm going to be performing two of, I think, the most defining songs of this year. One is Dube from Gehraya, which was my favorite of the year. And then my other favorite, which is Ranjha from Shersha. Event ke liye tayari, I dressed up. I dressed up, I did my riyaz, and I'm here. I'm going to, you know, give it my best and hope you guys enjoy the performance. Do saal ke baad ab Holi hone wali hai. I think that you guys just be careful. You know, keep the number of people that you're around small. I know things are open again, but enjoy your Holi. Just be a little careful. Things are still not completely settled. So, yeah. My upcoming project, a lot of film songs are finally releasing this year. Kyunki 2 saal ke liye everything was closed and now theaters are back on, movies are back on. So all my film releases are coming, a lot of non-film songs and singles also coming up. Your favorite, anybody? Of any song from the year. Your favorite, like Gehraya. Your favorite, like Gehraya. Yeah. I think everybody loved the music from Gehraya. This year, so I'll sing a bit of Dube. Why not? Leher leher dono ke dil be safar.
ए सबर हाँ डूबे तुझे में यहाँ हाँ डूबे उफ ये गहराइयाँ. Thank you guys. I'm gonna wait for her to come. It's so hot. I have like photo all over the place. Oh, those are these. I don't wanna get it on your address because I got it on mine. Let me just do one of these. I'll see you. Hanji. Wapas aa gaye. Second chance ke liye. So, if you're excited to hear Mirchi music or do you say something ki aaj ki shaam ko lekar? इधर देख के बोलूं? हाँ जी, आज की शाम तो बस शुरू हुई है, रोशनी में आए हैं हम. बट मैं एक्साइटेड हूँ, इस बार मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ वन ऑफ माय बिगेस्ट सॉन्ग्स जुगनू, जो काफ़ी वायरल हो गया है, काफ़ी हिट हो गया है, तो मैं परफॉर्म करने वाली हूँ आज शाम उसके लिए. एंड ऑफकोर्स सारे अवार्ड्स फ्रेंड्स को जीतते हुए देखते हुए खुश होंगी मैं. सो आई एम एक्साइटेड टू बी हियर टुनाइट. आज मैं अपना गाना परफॉर्म करने वाली हूँ जुगनू, तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर परफॉर्मेंसेज लोग मतलब कवर करते गाने, बट मैं अभी आज खुद का गाना परफॉर्म करने वाली हूँ. हाँ, मैंने थोड़ा आपने अगर म्यूज़िक वीडियो भी देखा होगा जुगनू में, तो काफ़ी एक फ्लोई डेजर्ट टाइप की वाइब है, तो मैं मिर्ची लाते हुए मैंने मिर्ची भी लाया और जुगनू का वाइब भी रखा. बहुत सारे गाने निकलते हैं हर हफ्ता. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि बहुत म्यूज़िक करे बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ. अभी इस हफ्ता ही मैंने एक गाना रिलीज़ किया, बुरा ना मानो यारा, जो खुद का कॉम्पोजिशन है. सो एंड मिर्ची इनफैक्ट हमारे ऑफिशियल रेडियो पार्टनर भी है, तो सो एक्साइटेड कि खुद के गाने भी रिलीज़ कर पा रही हूँ. इंडिपेंडेंट फिल्म तो चलता ही रहता है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो बस गाने बनाती रहती हूँ. और कुछ सुनाऊँ, कुछ क्या कहूँ या सुनाऊँ? कल रात को मैंने सुना दिया, वही गाऊँ या कुछ और गाऊँ? क्या गाऊँ, जिस गाने पे अवार्ड मिला है वो गाना, मतलब जो गाना मैंने संग चल रहे हैं धूप के किनारे छाँव की तरह काफिराना सा है इश्क है या क्या है.
भाई फाइनली आपका फर्स्ट है कि लास्ट है समझ नहीं आता. We were really need that. So I only got makeup and compliments today. दो सिस्टर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है. सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगा हमें यहाँ पर आपका वोमेन पावर देखने को मिल रहा है. तो बताइए कि क्या कहना चाहेंगे ये जो दोनों सिस्टर ने इंडस्ट्री में अपना वोमेन पावर बनाया है लाइक ऐसे हिट गाने दिए उसे कैसे देखते हैं आप. Well, I think there's so much woman empowerment in just my house. You know, मेरे dad एक लौते male है पूरी family में. He's surrounded by women, and there's so much women empowerment in my house. And like now we, you know, are making music together. We're singing together. अगर आप हमारे गाने भी सुनेंगे तो it's always talking about you know a woman's mind and like how they feel. Yeah. एंड ऑल्सो आई थिंक क्योंकि हम एक डुओ हैं एंड यूजुअली सारे सिंगल्स साथ में करते हैं देन इट गिव्स अस मोर आइडिया टू लाइक यू नो टॉक अबाउट व्हाट गर्ल्स वांट टू टॉक अबाउट एंड व्हाट गर्ल्स वांट टू से बिकॉज ऐसे भी होना चाहिए. सो वी ट्राई आवर बेस्ट एंड आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट एंड लाइक एज बोथ ऑफ अस एज यू नो सुकृति एंड प्रकृति लाइक नाउ फाइनली मेकिंग म्यूजिक टुगेदर इट्स स्टिल वेरी एलिनेटेड विद इंडियन ऑडियंसेज. अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे गर्ल बैंड्स होते हैं बहुत सारे ऐसे डुओज होते हैं but I don't think we have too you know that band culture here so we're just trying to recreate that a little bit and bahut sare logo ko acha lag raha hai jo hum kar rahe hain so we're going to keep doing that. So Mirchi Music Award kaisa raha experience aaj? I think Mirchi Music Awards hamare liye hamesha se hi bahut special hai and we've been coming here for the last 6 years I think every year एंड यहाँ पे आके हमेशा बहुत मज़ा आता है. रेड कार्पेट पे वी ऑलवेज हैव अ रियली गुड टाइम. दिस ईयर वी ऑल्सो सिंगिंग सो दैट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मीटिंग द होल फ्रेटर्निटी क्योंकि सिंस मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स आर दी ओनली म्यूजिक अवार्ड्स इट्स वन प्लेस जहाँ पे यू कैन बी यू नो रेस्ट अश्योर्ड दैट यू विल मीट द होल म्यूजिक इंडस्ट्री जो बहुत कोविड की वजह से तो हुआ ही नहीं है. सो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल आवर फ्रेंड्स या एंड जस्ट चिलिंग विद देम एंड हैविंग अ गुड टाइम. कौन-कौन से गानों पे आप लोगों ने परफॉर्म किया? सो वी वेरी हैप्पी एक्चुअली हमने दो गानों पे अभी परफॉर्म किया है. एक गाना है राता लंबिया जो सबका फेवरेट है हमारा भी फेवरेट है एंड आई थिंक इस साल का सबसे बड़ा गाना भी है. And the second song is again one of our favorites. ये गहराइयाँ का title track. Yeah. So love both the songs and I think क्योंकि ये गाने सबको इतने पसंद हैं हमें तो ज़्यादा ही पसंद है and I think it'll be a very fun rendition, you know, from our side and these are the most loved songs of the year. So you'll hear a lot of fun songs in the set. So next क्या कुछ आप लोग धमाका करने वाले हैं जो आपको पता ही है आपके fan बहुत ही हाल ही में एक अभी गाना रिलीज हुआ था हमारा एक सिंगल जिसका नाम है सिंगल सैया विद पार्थ समथान एंड पायल देव का म्यूजिक है एंड इट जस्ट रिलीज आई थिंक ऑलमोस्ट मंथ बैक तो वो अभी अभी आया है. जो नया गाना हम बना रहे हैं आई थिंक उसका अभी कुछ रिवील नहीं कर सकते क्योंकि अभी प्रोडक्शन में है गाना बट आई थिंक लाइक आई थिंक देयर इज वन रियली इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो होने वाली है तो जब होगी तो आई थिंक यू नो विच इज़ वेटिंग टू लाइक फिनिश इट एंड देन आई थिंक अगला गाना आएगा मे फर्स्ट वीक एंड दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग वेरी स्पेशल. सो लुकिंग फॉरवर्ड मे फर्स्ट वीक या मे फर्स्ट लास्ट हमारा बर्थडे भी है तो आई थिंक नेक्स्ट गाना बर्थडे पे आएगा. ये हमने कभी किया नहीं है तो इस बार ट्राई करेंगे. आपको क्या कुछ ऐसा होगा करने वाले होपफुली यस हो जाएगा. आप कुछ बोलना तो जो आने वाला है लाइक बर्थडे के दिन वो क्या होगा? रोमांटिक सॉन्ग होगा? इट्स एक्चुअली अ रोमांटिक इट्स अ हार्टब्रेक रोमांटिक सॉन्ग या हम एक्चुअली ज़्यादा डांस गाने करते हैं साथ में. सो दिस ईयर वी डिसाइडेड दैट वी गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ मोर रोमांटिक लव सॉन्ग्स एंड या आई थिंक आर ऑडियंस रियली वॉन्ट्स दैट ना. तो आई थिंक जब भी हम किसी भी यू नो फैन से मिलते हैं वो बोलते हैं कि प्लीज़ डू अ रोमांटिक सॉन्ग एंड वैसे गाने हमें सिर्फ फिल्म्स को यू नो में गाने को मिलते हैं. तो आई थिंक इस साल आर फोकस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग एंड नॉट जस्ट डांस सॉन्ग. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सो 18th of March होली भी आ रही है.
यू नो ये मंथ पता नहीं कहाँ आ गया, क्योंकि हम इतने सारे शोज पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम बॉम्बे में नहीं रहते हैं, वी हैव नॉट मेट आवर फैमिली इन सो लॉन्ग, इट्स बीन सो हेक्टिक. तो फाइनली मार्च में थोड़ा ब्रेक मिला, हम यहाँ पे हैं कुछ हफ्ते. होली पे यहाँ पे हैं, ये पता है. होली इज़ आवर फेवरेट फेस्टिवल. या एक्चुअली अभी होली पे कोई काम नहीं है अभी तक, सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू जस्ट प्ले एंड टू जस्ट इन्जॉय होली विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. काम आ जाएगा आप लोगों के पास, मेरे को लग रहा है ऐसा. देखते हैं. जाते आते कोई गाना जो हाँ हाँ एनी थिंग यू वॉन्ट टू लिसन टू, वील सिंग दैट ऑल्सो. हाँ वी कैन यू मस्ट सिंग माफिया और कैंडी. हाँ कैंडी ना समथिंग. या ओके कैंडी. हाँ सो वील सिंग वन ऑफ आवर सॉन्ग्स. गाने का नाम है कैंडी. हाँ कैंडी ना. इस गाने को एक्चुअली हमारे सारे सिंगल्स में से सबसे ज़्यादा प्यार मिला है, सो आई थिंक वी विल डेफिनेटली सिंग फ्यू लाइन्स फ्रॉम दैट. Today at Mirchi Music. Today at Mirchi Music Awards, yes. Na na. Yeah, okay. Kyun tak ke mudda keh de ek baar ha. Hai gala kar le aake ek baar ha. Kyun tak ke mudda keh de ek baar ha. हाय गला कर ले आके एक बारे. हाँ मैं फिर भी तेरे उत्ते ही आ रहा, छड के वे पीछे सारे मैं आ रहा. मैं फिर भी तेरे उत्ते ही आ रहा, गलती ना हो क्योंकि तेरी अखियाँ कहंदी. हाँ कहंदी ना तेरियाँ अखियाँ कहंदी. हाँ कहंदी ना अखियाँ कहंदी. हाँ कहंदी ना तेरियाँ अखियाँ कहंदी. हाँ कहंदी ना अखियाँ. थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yes. Thank you, man.